नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। कैसे सभी लोग ठीक हैं? बड़ी शक्ति, बड़ी पावर आप एक मिनट के अंदर जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए ये थोड़ी वीडियो बड़ी होगी। अगर आपको लगे कि नहीं देखना चाहिए तो आप स्टॉप कर दीजिए, अपना काम करिए। और जिनको वास्तव में जीवन में कुछ बड़ा करना है, जल्दी का काम शैतान का होता है। धैर्य, सफलता वही हासिल करते हैं जिनके अंदर धैर्य होता है, लगन होती है, इच्छा होती है, विश्वास होता है, दृढ़ संकल्प होता है, वही सफलता प्राप्त करते हैं। और जो सोचते हैं कि लाओ मैं एक बार में सफल हो जाऊं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, मेरा दावा है आज मेरे पास, कल उनके पास, परसों उनके पास, वो आधी जिंदगी ऐसे ही बिता दिए होंगे, कुछ नहीं मिला होगा, तो सावधान, जिंदगी अनमोल है, समय अनमोल है, उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। और कोई भी काम करें, मन लगा कर करें, इच्छा से करें, पूरी ताकत से करें, जरूर आप सफल होंगे। मसानी सिंदूर, शमशानी सिंदूर, आपने कामया सिंदूर के बारे में सुना होगा, काला सिंदूर के बारे में सुना होगा, हनुमान जी वाला सिंदूर, यानी तमाम सिंदूर के बारे में सुने होंगे। लेकिन चैलेंज है, आज की डेट लिख लीजिए, 18 जून 2022 को ये वीडियो पढ़ रही है, मसानी सिंदूर, शमशानी सिंदूर। हो सकता है इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग नकल करके इधर उधर करके डाल देंगे, लेकिन ये ज्ञान किसी को प्राप्त ही नहीं होता। मैं बताऊंगा शमशानी सिंदूर क्या होता है, इस सिंदूर से क्या कार्य तुरंत होते हैं, कितना खतरनाक होता, कैसे बनाया जाता, कैसे उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी लोगों का जो प्यार मिला उसके लिए हृदय से आभार आपका। चलिए हम बताते हैं ये सिंदूर होता कैसे बनता है। जब शनिवार को कोई स्त्री सुहागन मरती है, यानी उसका पति जिंदा रहता है, वो मृत लोक को प्राप्त होती है, उसका इंतकाल होता है, यानी उर्दू में बोलते हैं इंतकाल, स्वर्गवास होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि उसके सारा श्रृंगार पहनाया जाता है, श्रृंगार करके उसकी लाश को तैयार करके वो चूनर वगैरह जैसे दुल्हन पंती उस तरीके उसको सजाया जाता है, तब शमशान घाट ले जाया जाता है। बस इसी अवसर का तांत्रिक लोग तलाश करते हैं, ऐसे ही खतरनाक प्रयोग के लिए वो ऐसे अवसर को तलाश करते हैं, और शनिवार को मरने वाले स्त्री के घर में वो जाके सम्मिलित हो जाते हैं। और जब उसको श्रृंगार किया जाता है तो मस्त जो सिंदूर लगाया जाता है, जिस डिब्बी से लेकर 2-3-5 बार जितना लगाते हैं, तो सिंदूर को हासिल कर लेते हैं डिब्बी, किसी तरीके से भी, वो औरत के माध्यम से, किसी के माध्यम से, या उसके घर के किसी परिजन के माध्यम से, किसी तरीके मोटिवेट करके वो सिंदूर की डिब्बी हासिल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं होशियार तांत्रिक लोग, उस लाश के साथ साथ उसकी मिट्टी में अंतिम यात्रा में, यानी शमशान घाट तक साथ साथ चलते हैं। अब ध्यान से सुनना पूरी बात, शमशान घाट में जाने के बाद चिता लगती है, अग्नि लगती है, जो उसके पति या बेटा जो भी अग्नि देता है, वो 5 चक्कर लेता है 7 चक्कर लेता है। अग्नि जलने के साथ वो तांत्रिक डिब्बी को लेके किसी ना किसी बहाने वो राउंड कर लेता है 1 चक्कर, वो किसी को नहीं मालूम रहता है। 1 चक्कर राउंड लेने के बाद वो वहीं खड़ा रहता है, ध्यान रखना ये मंत्र नहीं, ये तंत्र है, जुगत ये तंत्र है, तंत्र में मंत्र की आवश्यकता नहीं रहती है। तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र, जंत्र गतम खत्म हो गया है, जतन होता है वो, ये यंत्र है। तो जब खड़ा रहता है और जब सारी क्रिया हो जाती है, तो जो अग्नि को मुख देता है, यानी जो क्रिया बैठता है 10 दिन तक 10वें तक, वो सबसे आगे चलता है, उसके पीछे पीछे सारे लोग चलते हैं जो उसकी मिट्टी में सम्मिलित हुए थे, गांव और रिश्तेदार, अटीदार पटीदार, समाज के लोग उसके पीछे चलते हैं। तो ये तांत्रिक क्या करता है कि जानते हैं कि ये 5 मिनट में सब क्रिया हो गई, चलने वाले हैं, तो जिस रास्ते से उनको आए थे उस रास्ते से वापस जो जाना है, उसी रास्ते में वो डिब्बी को ऐसे थोड़ा सा गड्ढा करके दाब देते हैं कच्ची सड़क पे, या बगल कहीं किनारे रख देते हैं।
और पुनः आ जाते हैं उसी समूह में जहां सब लोग अग्नि को लाश को जलाए थे। अब घर का जो मालिक है जिसने आग दिया वो घर के लिए रवाना होता है, आगे आगे चलता है, उसके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। और जैसे ये डिब्बी को क्रॉस करता है, जमीन में गाड़ी हुई या बगल रखी हुई वो क्रॉस करता है, पूरे लोग निकल जाते हैं, ये धीरे धीरे पीछे होता है और सबसे पीछे होकर ये डिब्बी को उठा लेता है। डिब्बी को उठाने के बाद आधे रास्ते से तांत्रिक ऐसे कट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उन लोग वहां पहुंच जाते हैं और जिस जगह वो लाश जलाई जाती है उस जगह आकर उस सिंदूर को 5 चक्कर मारकर थोड़ा थोड़ा गिराते हैं उसमें अग्नि में। गिराने के बाद उस डिब्बी को ले आते हैं। अब ये सिंदूर कोई साधारण सिंदूर नहीं रह गया, ठीक है, ये एक एक चुटकी अपने शिष्यों को वो देते हैं थोड़ा थोड़ा, एक चुटकी में 5, 10, 15 प्रयोग आप कर सकते हैं। अब ये माता मेडली, मेडली शमशान में वास होता है, माता मेडली का आप लोग जानते हैं कितनी खतरनाक रहती, कितनी जल्दी काम करती है, काले बकरे पे इनका वास रहता है। अब जब भी कोई काम करना हो बड़ा, तो बकरा हो काले रंग का, यानी अगर वो 40% भी काला है चल जाएगा, 60% है, 90% है, 100% है काला, यानी उसका अधिकतर भाग काला होना चाहिए, बाकी पांव सफेद है कुछ भी हो, अधिकतर यानी 40% से ज्यादा उसका काला होना चाहिए। ऐसा काला बकरा दिख जाए, जरा से सिंदूर लो और उसके मस्तक पर लगाकर जो काम बोल दोगे कि माता मेडली ये मेरा काम है, इसको आप 24 घंटे के अंदर करो, आप देखेंगे तिलक लगाए नहीं उसके बकरे के मत्थे पे हल्का सा सिंदूर, एकदम हल्का सा, क्योंकि बहुत काम लेना, आप लगाएंगे, लगाने के साथ देखेंगे वो बकरा 1, 2, 3 वहां से जैसे उड़ भगेगा। वो किसी का पालतू बकरा हो कैसा भी हो, भगेगा इधर उधर 10-5 मिनट उछले कूदेगा, उसके बाद वो जैसे नॉर्मल रहता रहेगा, लेकिन आपका काम माता की कृपा से वो कार्य आपका 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। ये खतरनाक प्रयोग है, कमजोर दिल वाले नहीं करेंगे, ध्यान रखना हमेशा। ये चूंकि प्रयोग तांत्रिक प्रयोग है, काली शक्ति है, अघोरी शक्ति है, इसे ब्लैक मैजिक भी कह सकते हैं, काला जादू भी कह सकते हैं, तामसिक विद्या भी कह सकते हैं, ये बहुत तुरंत काम करती है। काम होने के बाद आपका जब काम हो जाए तब किसी बकरे को आप थोड़ा सा मीठा कोई लेकर या ग्रीन ग्रास लेकर उस पर 5-7 बूंद शराब डालकर किसी बकरे को आप खिला दें उस शक्ति के नाम से। तो जब जब प्रयोग करना हो इसी तरीके करें, ये तंत्र प्रयोग है। जब ये चलता है तो तीर के तरीके, रॉकेट के तरीके चलता है, बड़े बड़ों को धारा शाही कर देता है। हम लोगों के संज्ञान में इस तरीके के भयंकर तांत्रिक हमारे यहाँ आते हैं, कुछ चीजें लेते हैं, उनको हमने कई चीजें सिखाई, उनसे कई चीजें ली, आदान प्रदान होता रहता है। तो ये चीज हम लोगों ने भी बनाया, देखा, बहुत खतरनाक इसका रिजल्ट है। ये जन भावनाओं की कद्र करते हुए ये मैंने प्रयोग दिया हूं। हाथ जोड़कर निवेदन है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, ध्यान रखिएगा। जिंदगी भर आप जवान नहीं रहेंगे, जिंदगी भर आपके पास दौलत नहीं रहेगी, जिंदगी भर आपके पास ताकत नहीं रहेगी, जिंदगी भर आपके पास रुतबा नहीं रहेगा, अंत समय जब आप का आएगा उस समय आप बहुत पछताएंगे। जिंदगी भर के जो कुकर्म रहते हैं वो व्यक्ति को याद आते हैं, मैंने कितने कितने पाप किए। मरण सैया पे जब 5 से 10 मिनट रह जाता तो आदमी बचपन से बुढ़ापे तक उसके जितने कुकर्म सत्कर्म रहते हैं सब याद करता है, और जिसका पलड़ा भारी रहता है कुकर्म का रहेगा तो आप नर्क के गामी बनेंगे, सत्कर्म का रहेगा स्वर्ग के गामी बनेंगे। यही एक ऊर्जा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव।